हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नंदकिशोर क्रिएटिविटी। एंड देखिए, आज हमने ये बहुत प्यारा सा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हमने पोंचो वाला ये हमने श्रग बनाया है। ये देखिए, फ्रॉक टाइप लग रहा है, ये श्रग है पोंचो वाला। देख ये देखिए, अगर आप इसमें बटन्स लगाते हैं और इस पट्टी को सीधा रखते हैं तो कुछ इस तरह की लुक यहाँ पे आएगी। ये देखिए, ये काफ़ी लंबा हो रखा है तो कैमरे में पूरा नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। ये देखो, तो ये इसकी है फाइनल लुक इस तरह से। और अगर आप इसको ओपन रखते हैं तो देखिए, ओपन रखने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह की होगी। ये देखिए ऐसे, तो ये बहुत प्यारा लग रहा है और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा लग रहा है। बल्कि मैंने देखो, आर्म होल पे और नेक राउंड पे मैंने अभी किनारी नहीं बनाई है, तो मैं ये इस कलर से, मल्टी कलर से बना दूंगी। बॉर्डर छोटा छोटा बनाएंगे, जैसे नीचे किनारी बनाई है ना, वैसे एक राउंड बना देंगे। तो ये है इसका फाइनल लुक। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। ड्रेस आपको ये कैसी लगी है? वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ऑल के बटन पर क्लिक करना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए इसको करते हैं बनाना स्टार्ट, देखते हैं ये कैसे बना है। तो देखिए, यहाँ मैंने क्रीम कलर की वूल ली हुई है और ये देखो, ये मेरा 10 नंबर का क्रोशिया हुक है, 3.25 mm, ठीक है। और यहाँ पर अब देखो, हम सबसे पहले चैन डालेंगे और उसके लिए देखो, हम इस तरह से धागे को कर लेंगे, थोड़ा लंबा सा धागा कर लेंगे और यहाँ पे हमें ऐसे फोल्ड किया, ऐसे मैंने उंगली पे लपेटा और ये देखो, इसके बीच में किया यहाँ पे, ऐसे जैसे मैं करती हूँ हर ड्रेस में, आपको बताती हूँ। तो ऐसे मैंने लपेटा, एक यहाँ चैन ली मैंने, ये देखो चैन ले ली। अब देखो, दो पार्ट्स में मैंने कर रखा है, एक इधर है एक इधर है, ठीक है। अब जो ये वाला है, इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसे करेंगे, यहाँ से पकड़ लेंगे, ठीक है। मैंने ये क्रोशिया के ऊपर डाला है देखो, और दोनों को ऐसे निकाल लेंगे तो ये हमारी एक चैन हो गई। फिर दोबारा ऐसे डालेंगे तो दोबारा से निकालेंगे, ये दो चैन हो गई, ठीक है। फिर ऐसे लपेटेंगे ऊपर से, आगे से ही लपेटना है हमें, तीन हो गई। ये देखो इधर है ना, तो इसको हमें ऐसे लपेटना है, ठीक है। हमें इसको ऐसे नहीं लपेटना, हमें इसको ऐसे ऐसे क्रोशिया हुक के ऊपर डालना है और इस तरह से चैन बनानी है। फिर से ऐसे एंड ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 चैन हो गई है, 8 9 10, ऐसे किया, दोनों को एक साथ निकाल दिया, 11 ऊपर से लपेटा, 12 13 14 15 16। तो देखो, इस तरह से मुझे पूरी 100 चैन यहाँ पे लेनी है। इस तरह से मैंने थोड़ी अलग तरह से चैन ली है और ये चैन इसलिए ली है क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होती है, ठीक है। और 10 नंबर का क्रोशिया हुक है, वर्धमान की ये वूल है, 10 नंबर का क्रोशिया हुक लिया क्योंकि देखो, वर्धमान की वूल में हम वैसे भी 10 नंबर की सिलाई लगाते हैं ना, जब सिलाई से करते हैं, नीटिंग में करते हैं, तो हम 10 नंबर की लेते हैं सिलाई, और बॉर्डर वगैरह के लिए 12 11 लेते हैं। तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पर 10 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। तो चलिए, अब मैं पूरी 100 चैन यहाँ पर बना लेती हूँ। तो देखिए, 100 चैन मैंने यहाँ पर कम्प्लीट कर ली है, ये देखो, ठीक है। तो मैंने 100 चैन बना रखी है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 2 3, 3 मैंने चैन बनाई और 3 चैन बना के, ये देखो इधर यहाँ पे 3 चैन बनाकर, ये देखो, ये फर्स्ट जो चैन है ना, फर्स्ट चैन, इस फर्स्ट चैन में हमें, ये देखो, ये जो है हमारी
डबल है इस तरह से, ठीक है। तो जो डबल के ऊपर ऊपर वाली चैन जो दिखेगी ना, उसमें हमें यहाँ पे क्रोशिया हुक डालना है और डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, हो गया। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, ये देखो इस तरह से हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखो 100 मैंने यहाँ पे चैन ली थी और उसके बाद 3 चैन मैंने ऊपर ली है, तो 1 2 3 4 5। सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमारे पास 101 होंगी ना यहाँ पे टोटल, तो 101 के मैं यहाँ पे 50 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। देखो जैसे 1 2 3 4 5, 5 हो गए टोटल, और नेक्स्ट में बनाएंगे तो ये 6 हो जाएंगे। ये देखिए 6 डबल क्रोशिया हो गए, और देखो ये जो है एक नीचे दिखेगी चैन, एक ऊपर दिखेगी, ठीक है। तो हमें ऊपर वाली चैन में बनाना है, ठीक है। इस तरह से मैं 50 डबल क्रोशिया यहाँ बना लेती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ मैंने टोटल 50 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। अब देखो यहाँ 51 पर आ गए हैं हम, 51 पर हमें क्या करना है, ये देखो 51 में डाला ऐसे, एक एक बार मैंने बना दिया, और यहीं पर मुझे एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है, तो ये मैंने दो बार डबल क्रोशिया बना दिया 51 चैन में, यानी कि 51वीं जो चैन है एक ही चैन के अंदर दो डबल क्रोशिया बनाए मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ पे दो चैन बनाई है, एंड अगेन मुझे यहीं पे दो बार और डबल क्रोशिया बनाने हैं एक ही चैन के अंदर। ये देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 100 चैन ली थी, उसके बाद मैंने 3 की चैन ली, 3 चैन ली, और फिर इसको काउंट करके यहाँ पे टोटल मैंने 50 डबल क्रोशिया बनाए, और ये जो 51 चैन है इसके अंदर मैंने दो बार डबल क्रोशिया बनाए, दो चैन बनाई, एंड अगेन दो बार डबल क्रोशिया, यानी कि 4 डबल क्रोशिया बन चुकी है इसमें, और बीच में यहाँ पे दो चैन आई है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारे पास फिर से 50 चैन बची हुई है, तो 50 चैन में फिर से हमें ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाना है जैसे हमने उधर बनाया है। तो ये देखो हर एक चैन में, मतलब एक चैन में एक एक बार हमें डबल क्रोशिया बना के और राउंड को कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने फर्स्ट राउंड अपना कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए बीच में ये हमारा बना, हमने इंक्रीज़ किए हैं यहाँ पे, और सेम इधर 50 डबल क्रोशिया बनाए हैं और इधर भी 50 डबल क्रोशिया बनाए इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे हमारा इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड हो गया है, अब हम सेकेंड राउंड करेंगे। तो सेकेंड राउंड हमें कैसे करना है, देखिए 1 2 3। अब देखो ये हमारी राइट साइड है, और ये मतलब ये फ्रंट है, ये बैक में है, ठीक है। तो ये मैंने एक बनाया, उसके बाद यहीं पे एक बार और बनाएंगे ऐसे, और एक बार और, ठीक है, 3 हो गए, 4, और ये देखो अब ये हमारा 4 बनाने के बाद ये जो फिफ्थ है जो, इसको हमें ऐसे ऐसे इस तरह से, ये हो गया बैक पोस्ट, ठीक है। तो ये हमें बैक पोस्ट करना है, कैसे करते हैं देखो मैं यहाँ बता दूँ। ऐसे ये लिया हमने और पीछे से निकाला, और फिर से यहाँ पे ऐसे किया, और ये ऐसे कर देना है,
ठीक है, ये देखो हो गए। तो ये हमारा बैक पोस्ट होता है, इस तरह से हमने इसको बैक पोस्ट किया। एंड अगेन हम फिर यहाँ पे बनाएंगे, हम फिर से चार चैन बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे इसी में। ये देखो वैसे 1 2 3, थ्री चैन बनती ना, तो दो हमने यहाँ पे बना दिए, एक हम यहीं पे बनाएंगे डबल क्रोशिया। ठीक है, एक हो गया, फिर दो, तीन, चार, चार हो गए। एंड इसको फिर से हम करेंगे बैक पोस्ट बोलते हैं, ऐसे लिया और पीछे से डाला ऐसे, ये देखो, और इसमें ऐसे निकाला, इसको थोड़ा सा लंबा रखेंगे, कर दिया, एक हो गया। अब फिर से ये वाला करेंगे ऐसे, ये देखो, देखो मैं दोबारा से दिखा दूँ, ऐसे किया, पीछे को किया, और यहाँ से पकड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ से पकड़ के ऐसे निकाल लेंगे और फिर इसको इसके इक्वल खींच लेंगे और यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, ऐसे करना है। फिर इसी के पास वाली चैन में, यहाँ पे देखो, इसी के पास वाली चैन में हमें डबल क्रोशिया कर लेना है। ये हो गया, फोर करेंगे, वन हो गया, टू, थ्री, और ये फोर, फोर हो गए। अगेन एक बैक पोस्ट और ये दूसरा बैक पोस्ट, दो करने हैं। फिर इसी की पास वाली चैन में बिल्कुल एक, दो, तीन, और ये चार, ऐसे करते करते अब यहाँ पे फिर से दो फ्रंट ये करेंगे बैक पोस्ट, ऐसे करते हुए हमें यहाँ तक आ जाना है सेंटर तक। ठीक है, सेंटर तक आ जाती हूँ ऐसे ही करते हुए। तो देखिए मैं यहाँ तक आ गई हूँ और ये हमारा है सेंटर, यहाँ मैंने बना दिया है। अब यहाँ पास में ही मुझे एक और बनाना है ना, देखो ये मैंने बैक पोस्ट कर रखा है, तो बैक पोस्ट के साइड वाली चैन बिल्कुल साइड वाले में हमें यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया बनाना है जो हम शुरू से बनाते हुए आ रहे हैं। और ये जो चैन है इसमें भी मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी, हो गया। अब यहाँ हम सेंटर में आ गए हैं फिर से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक, दो, देखो दो डबल क्रोशिया मैंने बनाए इसके अंदर, फिर से वन एंड टू, दो चैन ली और अगेन यहीं पे दो डबल क्रोशिया हमें और बनाने हैं। तो ये देखिए ये मैंने दो डबल क्रोशिया बना दिए और जैसे ये चला था वैसे ही ये है। तो ये हमें मतलब आगे तक ऐसे ही करते जाना है, ये सेंटर पॉइंट जो है ना ये आगे तक हमें ऐसे ही करना है। और यहाँ पे अब फिर से ये देखो मैंने क्या किया था, इसके पास वाले में है ना, इसके पास में यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, मैंने सिंगल ए सिंगल बनाया है एक ही क्रोशिया, उसके बाद पास में भी बनाया है एक और क्रोशिया, तो दो क्रोशिया मैंने बनाए हैं डबल क्रोशिया, और उससे पहले यहाँ पर फ्रंट पोस्ट हो रहा है। तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, एक यहाँ पर बनाएंगे एक और एक यहाँ पे बनाएंगे। तो ये हो गए दो, अब यहाँ पे हम करेंगे बैक पोस्ट। ठीक है, ये डिज़ाइन बन रहा है, तो यहाँ पे हम करेंगे ऐसे बैक पोस्ट, एक बार और करेंगे, ये हो गया। ठीक है, ऐसे करना है, मतलब कि जब ये हमने बैक पोस्ट किया था उसके बाद हमारे यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बने थे। दो डबल क्रोशिया बनने के बाद, ये देखो दो डबल क्रोशिया बनने के बाद हम यहाँ पे सेंटर में आए थे, तो इसीलिए सेंटर के बाद मैंने यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनाए। और बिल्कुल बराबर वाली चैन में बनाना है, सेंटर के बाद कोई भी चैन हमें स्किप नहीं करनी है, बराबर में ही बनाना है। और उसके बाद फिर हमने दो फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बनाए और यहाँ पर फिर से हमें डबल क्रोशिया बनाना है, एक, दो, तीन, चार, चार डबल क्रोशिया बनाए और फिर से यहाँ पे बैक पोस्ट करना है। ये बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट मैंने अपनी काफ़ी ड्रेसेस में बताया है,
आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ समझ ना आए, लड्डू गोपाल की ड्रेसेस बनाई है तो उनमें काफ़ी जगह मैंने बताया है, ठीक है। तो देखो फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया, एक दो तीन और ये चार, तो सेम वही चल रहा है जो हम इधर कर रहे थे, चार डबल क्रोशिया फिर दो बैक पोस्ट, फिर चार डबल क्रोशिया फिर दो बैक पोस्ट। तो इसी तरह से मैं ये सेकंड राउंड भी कर लेती हूँ। तो देखिए हमने सेकंड रो यहाँ पे कंप्लीट कर दिए और ये देखिए लास्ट में भी हमारे पास 1 2 3 एंड 4, फोर ही यहाँ पे बचे हैं। देखो फोर यहाँ पे बनाए बनाए थे, बिल्कुल परफेक्ट हमारा बैठ रहा है, 4 4 4 बीच में जो हमने लिए थे एक भी इधर उधर नहीं है, बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे बैठा है हिसाब, ठीक है। तो अब देखो अब हम फिर से थर्ड राउंड पे आ गए हैं। तो ये था हमारा बैक, जो सेकेंड राउंड था वो बैक में था, अब हम फ्रंट में आएंगे। तो ये देखो यहाँ पर मैंने डाला क्रोशिया हुक और तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, तीन चैन लिया, वर्क को टर्न किया और यहाँ पे हम सबसे पहले यहीं पे एक बार और बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक बनाया फिर दो फिर तीन, थर्ड राउंड कर रही हूँ मैं, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे एक बार और बनाएंगे, फोर फोर बन गए और ये हमारे आ गए जो हमने पीछे बैक पोस्ट किए थे, ठीक है। ये देखो ये इसके अंदर से निकले हुए हैं, है ना, निकला हुआ है। अब हमें इसको क्या करना है, तो हम सीधी साइड में हैं तो यहाँ पे हम इसको फ्रंट पोस्ट करेंगे। और फ्रंट पोस्ट कैसे करते हैं, ऐसे पहले हम इसको पीछे से डाल रहे थे, ठीक है, अब हम इसको फ्रंट में से ऐसे क्रोशिया को डालेंगे और ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसको डबल क्रोशिया बना देंगे और ये हमें थोड़ा लॉन्ग रखना है, इसकी हाइट थोड़ी लंबी रखनी है ताकि ये इनके इक्वल हो जाए। ऐसे किया, सेकंड में भी फ्रंट पोस्ट करना है और ऐसे करना है, ये हो गया। जब पीछे से करते हैं तो उसको बैक पोस्ट बोलते हैं और जब आगे से करते हैं फ्रंट से तो ये फ्रंट पोस्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो फिर से यहाँ आएंगे तो साइड में एक और बनाना है, यहाँ पे एक दो तीन चार, तब जाके यहाँ पे चार बनेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे इसके पास में ही हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर नेक्स्ट में बनाना है, दो हो गए, फिर नेक्स्ट में तीन हो गए एंड फिर नेक्स्ट में ये चार हो गए, हो गए। और यहाँ पे अब हमें फिर से इस तरह से फ्रंट पोस्ट करना है, नेक्स्ट में फिर से ऐसे करके फ्रंट पोस्ट करना है, ठीक है। और फिर से चार डबल क्रोशिया बनाने हैं, ये देखो एक दो तीन और यहाँ पे चार हो गए। और फिर से यहाँ पे हमें फ्रंट पोस्ट करना है, इस तरह से उठा के ऐसे, ये हो गया, फिर यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। और ऐसे करते हुए हमें यहाँ तक राउंड को करना है कंप्लीट और बीच में यहाँ पे फिर से हमें ये ऐसे ही बनाना है, दो डबल क्रोशिया दो चैन दो डबल क्रोशिया, और इस तरह से करते हुए काफ़ी हमें बना लेना है 5 या 6 इंच तक। देखिए मैंने ये राउंड ये इधर का इधर की साइड कंप्लीट कर दी है एंड ये देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट बनता जा रहा है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, जो हमने बैक पोस्टों किए थे पीछे से उन्हीं के ऊपर हमने यहाँ पे फ्रंट पोस्ट किया है, ठीक है। ये देखो और ये देखो यहाँ पे भी हो गया। अब यहाँ पे देखो ये हमारा सेंटर है, ये सेंटर है, उससे पहले यहाँ पे हमारे पास दो है और अब यहाँ पे हमारे पास देखो 1 2 3 एंड 4, क्योंकि ये लास्ट वाले चैन में हमने यहाँ पे नहीं बनाया था, वरना तो यहाँ पे 3 होते नीचे। तो यहाँ मैंने लास्ट वाले चैन में भी बनाया, लास्ट वाले चैन मतलब इसके ऊपर, ठीक है, बिल्कुल इसके ऊपर, पहले नहीं बनाया था लेकिन अब बनाया है। तो ये हमारे चार हो गए और चार हमारे इधर हो गए, ठीक है। और नेक्स्ट में जब हम आएंगे तो यहाँ हमारे 6 हो जाएंगे। तो ऐसे ही 4 के बाद हम एक और डिज़ाइन यहाँ पर बना लेंगे नेक्स्ट टाइम, यानी कि ये थर्ड राउंड है, फोर्थ पीछे से होगा और फिफ्थ हमारा फ्रंट से होगा, फिर फिफ्थ में हम ऐसे ही बना लेंगे एक और डिज़ाइन, यहाँ से शुरू हो जाएगा और यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है।
तो ये फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट करते हुए हमें इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। जब बैक में जाएंगे तो हमें ये बैक पोस्ट ही करना है, ठीक है, और फ्रंट में आएंगे तो ये हमें फ्रंट पोस्ट करनी है, ये ही वाले दो चैन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने टोटल 1 2 3 4 5 5 राउंड मैंने बना लिया है, और यहाँ पे इंक्रीज़ करते हुए अब मेरे पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहाँ मेरे पास इंक्रीज़ हो गए हैं, 8 हो गए हैं यहाँ पर, पहले देखो 2 थे, अब यहाँ पर 8 हो गए हैं। इसी तरह दूसरी साइड भी हो गए हैं 8 हमारे पास, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ बीच में, ये देखो बीच में भी हमारे इंक्रीज़ होते जा रहे थे, तो जब हमारे पास इंक्रीज़ हुए देखो 1 2 3 4, जब यहाँ पर 4 बच गए और उसके बाद हमारे पास 2 एक्स्ट्रा थे, तो यहाँ पर भी हमने इनको फ्रंट पोस्ट कर दिया 2 को। जैसे इधर किया सेम वैसे ही मैंने इधर किया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास 4 से ज़्यादा होते जाएंगे तो हम उन 2 को और इसी डिज़ाइन में लेते रहेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ से भी उनमें भी डिज़ाइन बनाते रहेंगे, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट करते रहेंगे उनमें, जो 4 से एक्स्ट्रा हमारे पास बचेंगे, ठीक है। अब यहाँ का मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे भी हमें डिज़ाइन ही बनाना है। ये देखो जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हम 1 2 3 3 की चैन ली। अब मुझे फ्रेंड्स पता है एक फंदा हमें यहाँ बढ़ाना है और एक यहाँ बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें ये चैन के साथ में इस फर्स्ट चैन में ही हमें 2 फंदे करने पड़ेंगे, यानी कि यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया करना पड़ेगा, ठीक है। चैन को काउंट नहीं करना है, उससे अलग 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अगर चैन को काउंट करते हैं तो एक ही होल में 3 बनेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में, नेक्स्ट चैन में भी 1 और एक ये 2, ठीक है। इस तरह से ये हमें 2 बनाने हैं नेक्स्ट चैन में भी। अब देखो इधर से देखो, ये हमारे ये है डिज़ाइन के, ठीक है, ये है हमारा जिनमें हम फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट कर रहे हैं। उसके बाद देखो 1 2 3 4, ये हमारे 4 सेंटर में रखने वाले हो गए, और जो ये 2 है, यानी कि यहाँ पे जब 4 हो जाए उसके बाद हमें फिर से अपना डिज़ाइन स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे हम बैक पोस्ट कर देंगे क्योंकि हम उल्टी साइड में हैं अभी, ठीक है। तो ये 1 हो गया, और नेक्स्ट को भी ऐसे कर देंगे, ठीक है, तो ये 2 हो गए। उसके बाद देखो फिर से 4 आ जाएंगे हमारे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 4 हो गए। और ये फिर से हमारे डिज़ाइन वाले हैं 2 डबल क्रोशिया, तो इनको फिर से हम बैक पोस्ट करेंगे, 1 किया और 2 किया। अब ऐसे ही पूरी रो ये हमारी हो जाएगी, और इधर जब हम आएंगे इधर फिर से हमें ऐसे ही करना है, यहाँ पे करके 1 2 3 4 करके इन दोनों में हम वो करेंगे बैक पोस्ट, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे 4 बच जाएंगे, फिर जब इधर से पलटेंगे फिर ऐसे ही करना है, जब फर्स्ट 3 की चैन लेंगे और फर्स्ट चैन में 2 बार और डबल क्रोशिया करेंगे, और नेक्स्ट चैन में भी 2 बार करेंगे, ठीक है। इस तरह से करते करते हमें यहाँ पे 20 25 तक हमें राउंड कर लेने हैं। तो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे कितने राउंड हुए हैं और आगे हमें क्या करना है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये मेरी टोटल 20 रो है। और देखिए इतना लंबा ये हो गया है इसमें, और यहाँ मैं दिखा दूँ, देखो जैसे जैसे हमने इंक्रीज़ किया, 1 में 2, नेक्स्ट में भी 2 ऐसे किया, ठीक है, और दोनों साइड इंक्रीज़ किए थे। तो यहाँ देखो जब ये हमारा डिज़ाइन चल रहा था, उसके बाद जब हमारे पास ये इतने हो जाते थे, ठीक है ना, 10 मतलब ये 2 ये और 2 ये 4 और 4 ये 8, जब हमारे पास 8 डबल क्रोशिया हो गए तो उसमें हमने 4 यहाँ गैप के छोड़े, 2 पर डिज़ाइन बनाया और 2 यहाँ पर छोड़े, ठीक है। तो इस तरह से हम जब फिर हमने दोबारा से ये इंक्रीज़ किए, जब दोबारा से इतने इंक्रीज़ हो गए फिर से हमने ये नया डिज़ाइन यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से इंक्रीज़ करते गए और डिज़ाइन बढ़ाते गए, इस तरह से करके हमने इसको देखो इतना बना लिया है। और ये हमने दोनों साइड से काम किया है ये वाला, तो यहाँ पे मैंने 20 रो बना ली है, और देखो बिल्कुल इसको सेंटर में से मैंने इस तरह से रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखो अब हम इसमें मोड़े छोड़ेंगे, है ना, अपने आर्म होल छोड़ेंगे। तो ये इस तरह से हम जैसे हम लड्डू गोपाल के लिए पोंचो बनाते हैं, तो उसमें भी 3 पार्ट्स में फिर हम इसको डिवाइड करते हैं ना, तो ऐसे ही ये देखो ये बीच का पार्ट हो गया
हमारा बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया ओपन साइड, और यहाँ पे हम आर्म होल छोड़ेंगे। तो आर्म होल ये देखो, ये एक डिज़ाइन जो है हमारा सेंटर में रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक दो तीन और ये चार, यहाँ चार डिज़ाइन तक मैं आर्म होल छोड़ूंगी, ठीक है। चार डिज़ाइन तक आर्म होल छोड़ेंगे। अभी यहाँ हम क्या करेंगे, पिनअप कर देंगे। और दूसरी बात मैं बता दूँ, ये 30-32 वालों के लिए है हमारा। तो देखो मैं आपको यहाँ पे, हम पिन करने के बाद पूरा डिज़ाइन, ठीक है, पूरा डिज़ाइन आया देखा ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखो मैं आपको मेज़र करके दिखा दूँ, तो ये देखो ये हमारा, यहाँ से मैं दिखा देती हूँ, बिल्कुल यहाँ सेंटर में से लिया है मैंने, ये देखो यहाँ से, ठीक है। ये हमारा बचेगा फिटिंग का, ठीक है। तो ये हमारी फिटिंग होगी यहाँ पे। तो ये देखो ये हमारा 8 इंच बैठ रहा है, ठीक है। तो 8 ये हो गया और 8 ये, 16 हो गया, 16 बैक का, इस तरह से 32। तो ये 32 वालों के लिए है, 32 जिनकी फिटिंग है उनके लिए। तो जैसे यहाँ हमने पिन किया है, ऐसे ही हमें इस साइड भी करना है, सेम इस साइड। ये देखो मैं कर लेती हूँ, ये हमारा सेंटर का है। उसके बाद मैंने 1, 2, 3 और ये वाला 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे पिन करना है, पिन लगाना है यहाँ पे भी। तो यहाँ लगा देती हूँ एक पिन, ऐसे, ठीक है, एक पिन मैंने यहाँ लगा दिया। अब हम जब यहाँ से शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे फिर हम चार चैन भी बनाएंगे। तो देखो मैं आपको मोटे यहाँ दिखा दूँ इनकी हाइट, यहाँ से ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ पे 6.5 बैठ रही है। और ये स्ट्रेचेबल भी होती है, स्ट्रेचेबल होती है, ऐसे खुल जाएगी। और 1 इंच की हमारी यहाँ पे चैन बनाएंगे हम, वो हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से 7.5 ये हमारे हो जाएंगे मोडे। तो अब करते हैं हम इसको बनाना स्टार्ट। तो देखिए कैसे करना है, यहाँ पे 3 की चैन लेंगे, 1, 2, 3 मैंने चैन ली। और यहाँ पर मैं 2 बार बनाऊँगी, ठीक है। जब इसके साथ 2 हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तभी तो इंक्रीज होगा हमारा, 2 हुआ, और यहाँ पे भी 2 बनाएंगे। तो ये हमारे 2 हो गए। अब देखो यहाँ पे ये हमारा डिज़ाइन बना हुआ है, तो 1, 2, 3, 4 बनाने के बाद ये 2 बचे हुए हैं ना, 2 बचे हुए हैं, तो इनमें हम डिज़ाइन बनाएंगे, यानी कि फ्रंट पोस्ट। तो ये हमने एक और एक्स्ट्रा बनाया, फ्रंट पोस्ट हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया है। अब ये आगे तक चलेगा और इसमें भी हम बना लेंगे फ्रंट पोस्ट, ठीक है। अब ये 4 हम ऐसे के ऐसे ही बनाएंगे सिंपल, ठीक है, डबल क्रोशिया। और ये देखो 3 एंड ये 4, और ये डिज़ाइन अब हम यहाँ तक ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ तक आ जाती हूँ, फिर दिखाऊंगी क्या करना है। तो देखिए यहाँ पिन के पास आ गए हैं, ये डिज़ाइन बना लेते हैं अपना, ये बनाया, और एक और ये फ्रंट पोस्ट हमने कर दिया। अब देखो इसको यहाँ से हम खोल देंगे और इधर रखेंगे, अभी दोनों साइड से नहीं निकालना है, एक साइड से मैंने निकाला है, ठीक है। और अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4 मैंने चैन बनाई। और अब यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे फिर से ये वाला डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे, ठीक है। ये देखो सीधा इसमें बनाएंगे, ऐसे लिया और यहाँ पे फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे ऐसे। ये हमारा लूज़ हो गया है थोड़ा, मैं टाइट कर लेती हूँ। दोबारा से बनाएंगे फ्रंट पोस्ट, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे ये हो गया फ्रंट पोस्ट। तो ये हमारा, ये देखिए ये हमारा आर्म होल हो गया, ठीक है ना, ये आर्म होल हो गया। अब फिर से ये रो पूरी ये यहाँ तक कर लेंगे, उसके बाद यहाँ कर लेंगे, यहाँ तक आ जाएंगे। और यहाँ पर आने के बाद ये दोनों डिज़ाइन हम बना लेंगे, उसके बाद 4 चैन बनाएंगे, फिर इधर से ये वाले डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। फिर पूरी रो हम ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है, आपको आया समझ में। डिज़ाइन बनाने के बाद हमें 4 चेन बनानी है, फिर दूसरे डिज़ाइन पर जाना है सीधा, और इस तरह से ये हमारा आर्म होल बन जाएगा। और दूसरी साइड भी हमें फिर ऐसे ही करना है, डिज़ाइन बनाने के बाद ये फ्रंट पोस्ट करने के बाद 4 चेन लेनी है और डायरेक्ट इस वाले डिज़ाइन को बनाना है, फिर दोबारा से फ्रंट पोस्ट 4 चैन के बाद, और फिर हमें ये रो सीधी कर लेनी है।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। एक ये हमारा आर्म होल है और इधर देखो फिर से बीच में हमें इंक्रीज करना है, करते जाना है एंड तक। और यहाँ देखो ये वाला सेकंड आर्म होल है, यहाँ पे मैंने बीच में चार चैन बनाई और ये दोबारा से इन पूरी रो करने के बाद मैं फिर से यहाँ पे आ गई हूँ बैक साइड से, ठीक है ना। ये रो यहाँ तक मैंने कर ली है। अब देखो अब हमें क्या करना है, ये लिया मैंने और ये देखो हमने डिज़ाइन बनाया था, डिज़ाइन के बाद मैंने चैन बनाई थी, ठीक है। तो इनको फिर से हम करेंगे बैक पोस्ट ऐसे, क्योंकि उल्टी साइड है तो उल्टी साइड से हम बैक पोस्ट करते हैं इनको और सीधी साइड से फ्रंट पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो बनाते हैं, सेकंड भी कर लेंगे। ये हो गए हमारे, अब ये चैन आ गई है, ठीक है। ये चार चैन ली थी तो यहाँ पे हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखो एक, दो, तीन और लास्ट चार, ठीक है। तो ये हमने चार चार चैन के अंदर चार डबल क्रोशिया बना लिए। और फिर से ये देखो ये हमारा फ्रंट पोस्ट होएगा। अब यहाँ पे हम फ्रंट पोस्ट करेंगे, हो गया। और एक और फ्रंट पोस्ट करना है, सॉरी बैक पोस्ट। तो ये हमने बैक पोस्ट किया, हो गया। अब फिर से ये वाला राउंड ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, तीन और ये चार। तो ये हमारे चार डबल क्रोशिया हो गए। और फिर से बैक पोस्ट करना है हमें, ये देखिए ये दिख रहे हैं ना नीचे, तो ये हमें बैक पोस्ट करने हैं। ये हो गया। और फिर यहाँ तक हमें ऐसे ही करना है, सेंटर में जाके हमें फिर से इंक्रीज करना है। देखिए सेंटर में भी जब हमारे पास एट डबल क्रोशिया, यहाँ पे सिक्स डबल क्रोशिया हो जाते थे, तो हमने वन टू थ्री फोर छोड़कर और दो पर हमने डिज़ाइन बनाया। पूरे में हमें हमने ऐसे ही किया है, जैसे आगे किया है फ्रंट में ऐसे ही हमने बैक में किया है, ठीक है ना। हम यहाँ पे डिज़ाइन भी इंक्रीज करते गए, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे चैन के अंदर मैंने चार डबल क्रोशिया बनाया है, सेम ये हमें पूरा राउंड करने करके यहाँ तक पूरा राउंड करने के बाद फिर ये देखो चैन आएगी, इसमें भी हमें चार डबल क्रोशिया बनाना है और यहाँ पर हमें राउंड कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने चार चैन ली थी आर्म होल में, ये देखो चार चैन लेकर फिर मैंने आगे बनाया था। और इसी तरह से मैंने यहाँ पे फिर हम ऐसे ही बढ़ाते गए हैं, यहाँ पे तो हमें ऐसे ही बढ़ाना है जैसे हमने स्टार्टिंग की थी, और वैसे ही हम चलते गए। जब हमारे जो देखो इंक्रीज़ हो गए तो हमने नया डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट कर दिया, दोनों साइड ऐसे किया है। और साइड में हम ये करते ही जा रहे हैं, हाँ साइड में यहाँ पे भी दो और यहाँ पे भी दो ऐसे बढ़ा रहे हैं। और देखो दूसरा आर्म होल है ये, यहाँ पे चार चैन ली थी उसमें डिज़ाइन बनाया, ठीक है ना। दोनों साइड इस तरह से डिज़ाइन बनाया हमने। और फिर हमने क्या किया, तो देखो चार चैन हमने इसीलिए ली थी यहाँ पे ताकि ये हमारा डिज़ाइन बन सके इस तरह से, बिल्कुल है ना सही बन सके। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने कितने राउंड बना लिया देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन रो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है और टेंथ पे हम चल रहे हैं। अब देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो जब फिटिंग होती है तो यहाँ ये ब्रेस्ट की है तो यहाँ ज़्यादा होता है, फिर यहाँ हम कमर पे आ चुके हैं तो यहाँ पे हमें फ़िटिंग देनी है, ठीक है ना। उसके लिए हमें यहाँ पे ये घटाने हैं फंदे। तो घटाएंगे कैसे, अब देखो ये नाइन टेंथ रो है, मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ टेंथ रो करके भी, तो अब यहाँ मैं आपको बताऊँगी कैसे हमें घटाने हैं, ठीक है। तो इस वाले डिज़ाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ तक हमें बनाना है। ये देखिए फ्रंट पोस्ट पे के ऊपर फ्रंट पोस्ट करना है। अब देखिए अब हमारे पास ये चार आ गए हैं, चार डिज़ाइन है हमारे पास। तो यहाँ पे हमें बनाया, इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। डबल क्रोशिया कंप्लीट नहीं किया है हमने, यहीं पे रखा है। फिर से ऐसे लेंगे और नेक्स्ट में बनाएंगे। तो ये देखो यहाँ पे बनाया,
अब इसको ऐसे किया। अब हमारे पास क्रोशिया हुक में तीन है, ये देखो 1 2 3, ठीक है। हमें तीनों को एक साथ निकाल देना है, तो ये 2 के बजाय हमारा 1 हो गया, 1 हमने कम कर दिया। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे 1, ठीक है, 1 यहाँ पे बनाएंगे ऐसे। अब इसको हम यहीं पे रखेंगे और फिर से हम नेक्स्ट में करेंगे यहाँ पे, और फिर से हम इसको करेंगे, तो ये हमारा 1 2 3 तीन हो गए। अब तीनों से हम 1 बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से 4 की बजाय हमारे पास ये देखो 2 चैन बची है, ठीक है। तो हमने 4 को घटाकर 2 बना दिया यहाँ पे। अब ये डिज़ाइन है, इसको हम फिर से ऐसे ही करेंगे, 1 इसके ऊपर, और यहाँ पे भी हम करेंगे फ्रंट पोस्ट, ठीक है, फ्रंट पोस्ट कर दिया। अब बिल्कुल अब हमें ऐसे ही डिज़ाइन बनाते हुए जाना है, और यहाँ पर आएंगे तो ये हमें यहाँ पर तो ऐसे ही करना है, ये तो बढ़ाने ही हैं हमें। और फिर हम नेक्स्ट में आएंगे जब, तो ये देखो यहाँ पे भी हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राउंड यहाँ पे है। 10th पे आएंगे हम, 10th रो पे। फिर यहाँ पे ये डिज़ाइन बनाने के बाद ये 4 है, इनको 4 से 2 बनाएंगे, ठीक है ना। तो मैं एक बार बताऊँगी यहाँ पे आऊँगी जब कैसे घटाना है, अगेन मैं एक बार बताऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम दूसरे आर्म होल की साइड आ गए हैं। अब देखो यहाँ पर हमें फिर से यहाँ में कम करने हैं ये, तो चलिए देखते हैं कैसे करने हैं। यहाँ देखो मैंने फ्रंट पोस्ट बना लिया है, ऐसे लिया यहाँ पे, जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं वैसे ही करेंगे। ये देखो एक बार निकाला, अब एक बार हम इसको क्रोशिया में ही रखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दोबारा से नेक्स्ट में डाला चैन में, और फिर से अब 2 से 1 बनाएंगे, तो ये देखो 3 हो गए हमारे क्रोशियों में, 3 है, 1 2 3, तीनों से 1 बना देंगे, ठीक है, तीनों का 1 बना दिया। तो हमने यहाँ पर 1 जो चैन है अपनी कम कर दिया है। अब देखो नेक्स्ट में करेंगे ऐसे ही 2 का 1, और इसको हम क्रोशिया हुक में ही रखेंगे, और यहाँ पे भी 2 का 1, और इसको ऐसे, तो 3 हो गए, ये देखो 3 है हमारे क्रोशिया हुक में, तो 3 है, तीनों का 1 बना देंगे, हो गया। अब ये वाला है, ये फिर ऐसे ही बनाएंगे। तो यहाँ हमने 4 से 2 बना दिए हैं, 2 हमने कम कर दिए, ठीक है ना, 2 फंदे यानी कि कम हो गए हैं, और बाकी हम पूरा डिज़ाइन ऐसे ही बना देंगे, ठीक है। यहाँ तक हमें ऐसे ही बनाना है, और यहाँ पे आके हम फिर से इंक्रीज़ करेंगे। अब ये देखो यहाँ पे हम डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया बन रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 बनाने के बाद हम यहाँ पे फिर 2 पे डिज़ाइन बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, और पूरी रो को ऐसे ही करेंगे। फिर बैक साइड से जो हम रो करेंगे उसमें हम कुछ नहीं घटाएँगे, यहाँ पे हमने सीधी साइड घटा दिए हैं, बैक साइड से जब करेंगे तो नहीं घटाएंगे। फिर दोबारा जब सीधी साइड आएंगे तो हम यहाँ पे घटाएंगे, यानी कि 1 में घटाना है, 1 को सिंपल बुनना है, 1 को घटाना है, 1 को सिंपल बनाना है, इस तरह से हमें घटाते हुए जाना है। तो ये डिज़ाइन भी आएंगे घटाने में, तो इनको भी घटा देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो मैं बताऊँगी कैसे घटाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर से पीछे से घूम कर दोबारा इधर आ गई हूँ, इस सिलाई पर बैक की मैंने कर दी है, सॉरी इधर इस रो में आ गई हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम फिर से, ये देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 फोर थे, 4 से हमने ये 2 बनाए थे, है ना, ये 2 बनाए थे, यहाँ पे देखो 4 है, 4 से जब हमने यहाँ पे घटाए थे तो 2 कम किए थे, पीछे से सिलाई की, तो ये देखो ये 2 आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, ये वाले हमारे वो है डिज़ाइन के फ्रंट पोस्ट वाले, तो इनको हम फ्रंट पोस्ट करेंगे ऐसे ही। तो ये देखिए यहाँ पर मैं 2 फ्रंट पोस्ट करूँगी, ये किया, और यहाँ पे करेंगे, तो 2 हमारे फ्रंट पोस्ट के हो गए ये, ठीक है। और अब ये हमें घटाने हैं फिर से, तो यहाँ देखो 2 पहले घटाए थे और 2 अब घटाएंगे, ठीक है, ये किया ऐसे, तो इसको हम यहीं पे रखेंगे क्रोशिया में, फिर से नेक्स्ट में करेंगे इस तरह से, जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं वैसे ही करना है, और ये देखो, ठीक है, 3 हो गए। अब 3 से हम 2 1, ठीक है, 3 से सीधा हमने 1 कर दिया, तो ये हमारे घट गए, ऐसे ही हमने यहाँ पे किया था और ऐसे ही यहाँ पे। अब देखो इनको करेंगे, यहाँ से मैंने ये लिया ऐसे, जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं 2 से 1, लेकिन इन दोनों को 1 नहीं करेंगे, इनको हमें यहीं पे रखना है। फिर दोबारा से करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और इनको भी ऐसे कर लेंगे, फिर तीनों को 1 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे कम हो गए, और अब यहाँ पे इनको
ये चार है तो चार को ऐसे ही बना लेंगे हम। देखो इसके बाद हमें ये चार ऐसे ही बना लेने हैं। एक हो गए, दो हो गए, तीन और ये चार, ठीक है। और फिर से फ्रंट पोस्ट आ गया है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे। ये हो गया फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। अब बस अब हमें ऐसे ही करते जाना है जैसे हम पूरा कर रहे हैं, यहाँ से पूरा राउंड ऐसे पूरा। और यहाँ पे जब आएंगे हम, ये देखो दूसरे आर्म होल के पास यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे पहले देखो चार थे, चार थे ये, चार से फिर हमने दो किए, ठीक है, पीछे से बनाकर आए, तो ये देखो दो रह गए हमारे पास। फिर इन दो को घटाएंगे और इन दो को घटाएंगे, ठीक है। और ये फिर हम बाकी ऐसे ही बना लेंगे। तो चलिए बना लेती हूँ। और हाँ, ये हमें जैसे देखो एक बार तो मैंने पहले किया था, एक बार इसमें करेंगे। यहाँ पे हमने टोटल दो बार कर चुके हैं हम, ये देखिए यहाँ पे हम दो बार घटा चुके हैं, एक बार पहले घटाया था, एक बार अब घटाए हैं, और तीन बार और घटाएंगे, ठीक है। यानी कि टोटल 10 राउंड में 5 टाइम्स हम इनको कम कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें कम करना है, उसके बाद हमें कुछ नहीं कम नहीं करना है। जैसे हमने ये 9 राउंड किए हैं तो ऐसे ही हमें फिर आगे करते जाना है। फिर हमें उतना करना है जितना भी आपको लंबा रखना है। आप पहन कर देख लें या तो या लगा कर देख लें, जितना आपको लंबा रखना है उतने ही आप राउंड करें, ठीक है। तो मैं कुछ राउंड कर लेती हूँ फिर आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतना मैंने यहाँ पे बना दिया है। एक बार देखो 9 राउंड मैंने ऊपर बनाए थे आर्म होल के बाद, है ना, आर्म होल छोड़ने के बाद यहाँ पे मैंने 9 राउंड बनाए थे। उसके बाद हमने यहाँ पे इनको घटाना शुरू किया था, चार से दो बनाए थे, दो से एक बनाया था, इस तरह करके। तो यहाँ देखो एक रो ये वाली और एक ये कम हो चुकी है, और लास्ट में जाकर यहाँ पर मेरे पास 3 और 3, 1 2 3, 3 इधर है और 3 इधर है, यानी कि एक इधर से घटा, एक इधर से घटा, और 2 रो ये, यानी कि 4 इधर और 4 इधर, 8 और 2 10, टोटल 10 मैंने यहाँ पे घटाए हैं। और जी मैंने जो टोटल राउंड अभी तक बनाए हैं ये आर्म होल के बाद यहाँ तक, ये हमारे 24 राउंड हो चुके हैं। देखो काउंट करके दिखा देती हूँ, यहाँ से सीधा करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23, सॉरी 23 राउंड, हाँ ये हमारे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखो इसको यहीं पे इतना ही मैंने छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ मैं आपको दिखा दूँ फ्रंट में, अब हम फ्रंट हमने फ्रंट में वर्क किया है ये थोड़ा सा अलग लुक देने के लिए। ये देखो मैंने इस तरह से यहाँ पे पट्टी बनाई हुई है, एक बार अच्छे से थोड़ा दिखा देती हूँ। ये देखो इस तरह से जब ये हमारी लुक आएगी, क्योंकि ये पोंचो स्टाइल हम बना रहे हैं ये, तो ये देखो इस तरह से ये हमारी पट्टी आएगी। ये हमारा गला है ऊपर ऐसे, ठीक है, ये गला है। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा की पट्टी बनाई है, ये देखो यहाँ मैं दिखा दूँ, तो ये जो वो पट्टी है हमारी, ये इस तरह से हमारी मुड़ जाएगी, ठीक है, ये इस तरह से मुड़ेगी। यहाँ पे आप बटन वगैरह या कोई पाउच वगैरह लगा सकते हो, है ना, ब्रोच लगा सकते हो, सॉरी। तो उसके लिए ये थोड़ी सी स्टाइलिश हो जाएगी। ऐसे ही पट्टी हम इधर बनाएंगे जैसे हमने ये बनाई है। ये देखो यहाँ ये गला है और ये हमने फ्रंट में पट्टी बनाई है, इतनी ही फिटिंग जैसे मैंने बताई थी, फिटिंग वही है सेम। और ये हमारी इस तरह से फोल्ड हो जाएगी, ये बस इसकी लुक जो है वो थोड़ी और अच्छी लगेगी, उसके लिए मैंने ये पट्टी बनाई है। इधर की पट्टी मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाई है मैंने, क्योंकि ये तो मैंने बना ली है सेम, ऐसे ही हमें मुझे इधर बनानी है। तो यहाँ मैं बताती हूँ कि हमने कैसे इसको बनाया है। देखिए बाकी बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल सीधी, ये देखो सीधी बिल्कुल ये पट्टी चली आ रही है। बस यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको बार बार एक की बजाय दो हमने फंदे बनाए हैं इसमें, है ना, दो बनाए हैं डबल क्रोशिया ऐसे। और यहाँ पे 1 2, ये देखो 1 2 3 4 5, 5 रो तो मैंने हाफ डबल क्रोशिए से बनाई है, और 1 2 3 4 5, 5 रो मैंने डबल क्रोशिए से बनाई है। तो टोटल मैंने 10 रो से ये पट्टी कंप्लीट की है। उसके बाद ये ही जो है ना, इस कलर का डिज़ाइन हम नीचे बनाएंगे, उसके बाद आप जितना इसको लॉन्ग करना चाहो उतना लॉन्ग कर सकते हो। तो चलिए ये पट्टी बनाना बताते हैं यहाँ पर।
तो देखिए ये मेरी फ्रंट साइड है, ये मेरी बैक साइड है, तो 10th जो है रो होगी वो मुझे फ्रंट साइड से लानी है, इसीलिए मैं इसको बैक साइड से स्टार्ट करूँगी। ये हमारा गला है, गले की साइड से इसको मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप किधर से भी चाहो स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से चाहो तो यहाँ से भी, जिधर से भी आपका हाथ बैठता है वैसे स्टार्ट कीजिए। तो ये देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर इस तरह से बनाना है, ऐसे इसको थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ लेंगे यहाँ पर। 1 2 दो मैंने चैन बनाई, दो चैन बनाई क्योंकि हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे यहाँ पे ऐसे। और ये देखो अब इसको मैं हाफ डबल क्रोशिया बना लूँगी, ऐसे हो गया, दो हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। अब एक मैं यहाँ पे जो बीच में चैन होती है ना हमारी, उसके अंदर बनाऊँगी हाफ डबल क्रोशिया। और जो ये देखो एक्स्ट्रा वूल है इसको हम यहीं पर दबा के लेकर चल रहे हैं, तो इसको मैंने बना दिया हाफ डबल क्रोशिया। अब जो ये डबल क्रोशिया है, ये देखो ये डबल क्रोशिया है, इसके अंदर फिर से हम 2 टाइम्स बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, ऐसे एक बनाया और एक बार और बनाया, दो हो गए। अब जो ये बीच में चैन होती है ना, ये वाला स्पेस जो होता है, इसके अंदर बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। अब जो ये है डबल क्रोशिया, अब इसके अंदर 2 बार बनाएंगे, एक बार हो गया, एक बार और बनाएंगे, 2 बार हो गया। अब इस होल के अंदर बनाएंगे, ये देखो ये एक बार हो गया। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया है जो, उसके अंदर 2 बार बनाएंगे, एक बार और एक बार और। तो हमें क्या करना है, ऐसे ही अपना पूरा रो जो है ये कंप्लीट करनी है। यहाँ पे देखो इसके अंदर 1 बार बनाएंगे और जो डबल क्रोशिया है ये, इसके अंदर 2 बार बनाएंगे। ये देखो ये एक डबल क्रोशिया है और ये एक डबल क्रोशिया, इसके बीच में जो ये गैप है इसके अंदर 1 बार बनाएंगे, डबल क्रोशिया में 2 बार बनाएंगे। तो इस तरह से करके हम पूरी रो को कंप्लीट यहाँ पर बना लेंगे। उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया की 5 रो बनाएंगे, जैसे ये बना रखी है, देखो ये तो हमने उठा रखा है। उसके बाद 4 रो हमने हाफ डबल क्रोशिया की बनाई है और 5 रो हमने डबल क्रोशिया की बनाई है। इस तरह से करके हमें ये पट्टी बना लेनी है। और यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस जब इसको पलटते हैं तो वहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाते हैं, है ना, 2 डबल क्रोशिया लास्ट में बनाया है, बाकी बिल्कुल सिंपल मैंने ये पट्टी बनाई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे दोनों पट्टी इसकी बना दी है साइड वाली। ये देखिए मैंने फोल्ड भी कर दिया है इसको, और ये कुछ इस तरह की हमारी बनकर आई है यहाँ पे, ये देखिए। तो ये हो गई हमारी पट्टी, ठीक है, ये हमारी फ्रंट की हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब हम नीचे का पार्ट बनाएंगे, वो हम सिर्फ उस लिए बनाएंगे जो कि हमें जितनी भी इसकी लंबाई रखनी है। तो आपको जितनी लंबाई रखनी है आप उतना यहाँ पे नीचे की साइड पट्टी बनाएं, ठीक है। तो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ कि हमें नीचे हम किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए ये है हमारी सीधी साइड, सीधी साइड से हम ले लेते हैं इस साइड से, ऐसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो हम जब यहाँ से स्टार्ट करते थे तो यहाँ पे, मतलब यहाँ ये देखो, इधर हम फंदा इंक्रीज़ करते थे, जैसे 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, ऐसे कर रहे थे। और सेंटर में, यहाँ दिखाती हूँ, सेंटर में ये वाला, ये जो सेंटर था बैक में, यहाँ पे भी इंक्रीज़ कर रहे थे और इधर की साइड में भी इंक्रीज़ कर रहे थे। लेकिन अभी हमें कहीं पे इंक्रीज़ नहीं करना है, अब केवल हमें फंदे जितने हैं उतने ही रखने हैं। और यहाँ से देखो, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ऐसे, इस तरह से, ये देखो यहाँ पे थोड़ा रख लेंगे जो हम यहीं पे दबा लेंगे इसको ऐसे। 1 2 3 चैन बनाएंगे, 2 और ये 3 चैन बनाई, एक बार और यहीं पे बनाएंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये देखो 2 डबल क्रोशिया हो गए और एक बार और बनाएंगे, तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये वाला जो है ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, क्योंकि ये जो है ये तो हमारी रो इस तरह से बनी हुई है ना, तो देखो ये ज़्यादा गैप है। और वैसे ये 2 चैन के इक्वल का होगा, ये 1 डबल क्रोशिया 2 चैन के इक्वल गैप रख रहा है, तो इसमें हम ऐसे बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। अब फिर से इस वाले को स्किप करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, यानी कि 1 डबल क्रोशिया जो है वो हमने स्किप किया है, तो यहाँ पे 3 बार बनाएंगे। नेक्स्ट में भी
तीन बार बनाएंगे। और अब ये जो है ये स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में तीन बार बनाएंगे। ये देखो एक हो गया, एक बार और यहीं पे बनाएंगे, दो हो गए और एक बार नेक्स्ट में चैन में बनाएंगे। क्यों बनाया? क्योंकि ये जो है ये अब हमारी हाफ डबल क्रोशिए की रो है, ठीक है ना, इसलिए अब हम यहाँ पे बनाएंगे नेक्स्ट में एक स्किप करके उसके नेक्स्ट में। ये मैंने एक बनाया, एक और बनाया, दो हो गए, अब एक मैं यहाँ चैन में बनाऊंगी, ठीक है। तो ये हमारे तीन हो गए। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, ये देखो एक चैन ये वाली और एक चैन ये वाली, दो चैन स्किप करेंगे और थर्ड चैन में हम यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक हो गया, दो हो गए और एक ये तीन हो गए, ठीक है, तीन डबल क्रोशिया हो गए। बीच में चैन वगैरह कुछ नहीं लेनी है, नीचे से दो चैन स्किप करनी है और थर्ड में हमें डबल क्रोशिया बनाना है थ्री टाइम। ये टू हो गए और ये थ्री हो गए, फिर नीचे से दो चैन स्किप करेंगे और थर्ड चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे थ्री टाइम। ऐसे ही पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। नीचे से दो चैन स्किप करनी है और थर्ड चैन में थ्री टाइम्स डबल क्रोशिया बनाने हैं पूरा सभी में। ये जो हमारा सेंटर में है यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं करना है, जैसे ही दो चैन यहाँ पे छोड़ के स्किप करके और थर्ड चैन में तीन बार डबल क्रोशिया बनाकर पूरा ऐसे ही राउंड को कंप्लीट करना है। और यहाँ फिर आएंगे चैन में तो इधर भी हमने जैसे स्टार्ट किया था वैसे ही यहाँ पे एंड में भी हमें ऐसे ही करना है। और ये जितना भी फिर आपको लॉन्ग करना है उतने ही आप राउंड कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने क्या किया है, यहाँ पे जो हम बीच में इंक्रीज़ कर रहे थे ना वो हमने इंक्रीज़ नहीं किया है, ऐसे ही हम बनाते हुए आ रहे हैं। दो चैन यहाँ पे स्किप की, यहाँ पे बनाई, फिर यहाँ पे एक ही चैन बची थी तो वही हमने स्किप करके बीच में सेंटर में बनाया, फिर दो चैन स्किप करके यहाँ पे बनाया और सेम ऐसे ही पूरा राउंड बनाएंगे। लेकिन जब हम सेकंड राउंड बनाएंगे तो इनके बीच में बनाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं बनाएंगे, फिर इनके बीच में बनाएंगे। यहाँ सेंटर में थ्री डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया, इस तरह से करके जितने राउंड आपको बनाने हैं उतने ही बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लास्ट में भी ये पट्टी बना दी है और ये यहाँ पे देखो मैंने फाइव राउंड किए हैं। ये देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ टोटल मैंने फाइव राउंड किए हैं नीचे। तो ये कुछ इस तरह से हमारी नीचे की पट्टी बन गई है, ठीक है ना। ये देखो ये मैंने साइड में बनाई थी फ्रंट में और इसी से मैंने अटैच ये नीचे की बनाई है। तो ये अब हमारा फाइनल पूरा हो गया है। तो मैं फाइनल लुक अब आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये पीछे का है हमारा और पीछे भी कुछ इस तरह से है। ये जब मैंने लास्ट में बनाया तो इसके अंदर मैंने ये दो बार बनाई, ठीक है ना, बीच में दो चैन बनाई ताकि मुझे ये यही वाला डिज़ाइन मिल सके इस तरह का, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लास्ट में दो बार बनाए हैं। मैंने फाइव राउंड बनाए हैं, आप जितना चाहो उतना बना सकते हो, लेकिन इसकी लेंथ काफ़ी हो गई है। तो ये देखिए इस तरह से, अब मैं आपको इसका दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो ये है हमारा, यहाँ पे देखिए नेक राउंड है। अगर आप इसको इस तरह से लगाओ इस पट्टी को, अगर आपको बटन लगाने हैं तो आप इसको इस तरह से रखें और यहाँ पर बड़े बड़े बटन लगाएं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से लुक आएगी इसकी, ऐसे मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। ये देखिए अगर आप इसमें बटन्स लगाते हैं और इस पट्टी को सीधा रखते हैं तो कुछ इस तरह की लुक यहाँ पे आएगी। ये देखिए ये काफ़ी लंबा हो रखा है तो कैमरे में पूरा नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। ये देखो, तो ये इसकी है फाइनल लुक इस तरह से। और अगर आप इसको ओपन रखते हैं तो देखिए ओपन रखने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह की होगी। ये देखिए ऐसे, तो ये बहुत प्यारा लग रहा है और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा लग रहा है। बल्कि मैंने देखो आर्म होल पे और नेक राउंड पे मैंने अभी किनारी नहीं बनाई है, तो मैं ये इस कलर से मल्टी कलर से बना दूंगी। बॉर्डर छोटा छोटा बनाएंगे, जैसे नीचे किनारी बनाई है ना वैसे एक राउंड बना देंगे।
तो ये है इसका फाइनल लुक। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। ड्रेस आपको ये कैसी लगी है? वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ऑल के बटन पर क्लिक करना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखने के लिए धन्यवाद।